बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत अपने बेबाक अंदाज के लिए सुर्खियों में बनी रहती हैं। लेकिन अब कंगना अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में है। फिल्म विवादों में घिर गई है। कंगना की इमरजेंसी की रिलीज पर संकट के बादल मंडरा रही हैं। सिख समुदाय की तरफ से फिल्म पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जिससे कंगना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी लोकसभा से बीजेपी सांसद कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी इमरजेंसी को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म का ट्रेलर आते ही विवाद शुरू हो गया। शिरोमणि अकाली दल ने कंगना की इमरजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। सिख समुदाय के लोगों ने सेंसर बोर्ड को फिल्म पर रोक लगाने की मांग भी की है। अकाली दल की दिल्ली इकाई के प्रेसिडेंट ने फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड और कंगना के प्रोडक्शन हाउस को नोटिस भेजा था। इसी के साथ फिल्म की सेंसर सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग की गई थी। इसके चलते सेंसर बोर्ड ने इमरजेंसी के फिल्म सर्टिफिकेशन पर रोक लगा रखी है। इस बारे में खुद कंगना ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पर रोक लगा दी गई है। सिख कम्युनिटी ने कंगना रनौत और उनकी फिल्म इमरजेंसी पर सिख कम्युनिटी को जान लेने वाला दिखाने का आरोप लगाया है। सिख समुदायों ने तर्क दिया कि फिल्म में सिख समुदाय को गलत तरीके से दिखाया गया है। बता दें कि ये फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी है। फिल्म में उन्हें भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रोल में देखा जाएगा। जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट पास आती जा रही है वैसे ही विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कंगना भी मुसीबत में फंस गई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।